एक्सक्यूज मी. हाँ जी. हेलो कमल. सोया. सोया. यस. बड़े क्यूट हो. रियल नेम. थैंक यू. अरे आपका कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ है. क्यों, कोई प्रॉब्लम? नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ज्यादा अच्छे लगे. मैं दूर से देख रहा था और अकेली लड़की कभी सेफ नहीं रहती है, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ आपको बचाने. मतलब कोई छेड़े वेड़े ना. ना और बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पे? बस कुछ नहीं, घूम रहे थे फ्रेंड्स के साथ. फ्रेंड्स तो देख नहीं रहे. फ्रेंड्स अपना अलग है, मैं अलग. बट आप आए मेरे पास. अच्छा जी, तो बॉयफ्रेंड है आपका? हाँ जी. तो मतलब कोई चांस ही नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. फ्रेंड्स बन सकते हो. फ्रेंड्स नहीं ना, फ्रेंड्स तो मेरी भी बहुत है. ओ, अच्छा. लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं. ठीक है, एक चांस दे सकती हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें. एक चांस कैसा? मतलब बॉयफ्रेंड वाला? हाँ, फील कर सकते हो. तो पहले तो मेरा नंबर लिख लो. बोलो. देखा, वैसे बोल नहीं सकता मैं. हेलो, कैसे हो? अच्छे, आप कैसे हो? कमल. खुशी. खुशी कहाँ रहते हो? आई एम फ्रॉम मुंबई. तो दिल्ली में कैसे? इसको मैं इवेंट के लिए आई थी. ओहो, बड़े लोग. और बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पे? बस इवेंट. या और बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड नहीं है, है दो चार. दो चार? मतलब मेरा भी नंबर लिख लो, पांचवा बन जाऊंगा. नहीं नहीं नहीं, लिख सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली. आप जैसे बोलो वैसे कर लेंगे, लेकिन बंदी तो बने. आप किसी और को ट्राई कर लेंगे? हाँ, मेरे को अच्छे लगे, इतनी देर से देख रहा हूँ. मैंने कहा यार बंदी बन जाएगी, बंदी बन जाएगी. बन रहे हो? बन रहे हो? दोस्त बन सकते हो? तो नंबर दे दो अपना. ये मेरा नंबर है, मेरा नाम कवल है. ठीक है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात, मैं जिस मेन काम से आपके पास आया था ना, वो मेन काम था. मैं जा रहा था तो एक लड़के को मैंने देखा, अपनी गर्लफ्रेंड को लैब पे बिठाया हुआ जो होते हैं, इसको क्या कहते हैं, लैब ही बोलते हैं. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. अच्छा. कि यार जो वो फील कर रहा है वो मुझे भी फील करना है. तुम डायरेक्टली नंबर मांग रहे हो? तो डायरेक्टली ना मांगू. तो यार आज मैं यहाँ हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, आप मुंबई से हो. कल को आप मुंबई चले जाओगे तो फिर मैं कैसे नंबर मांगूंगा? पता भी तो होना चाहिए ना, तो इसलिए नंबर तो दो. तो मिस कॉल कर लूँ, इसमें मिस कॉल आ जाएगा. ऐसे आप पटो ना पटो. एक और चीज़ थी, मैं ना अभी जा रहा था, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हुए थे, तो मैंने देखा कि लगे पड़े और लड़की उसकी गोदी में बैठी है. मेरी आज तक कोई बंदी रही नहीं, सीरियसली बंदी नहीं है मेरी कोई आज तक. तो इसीलिए मैं चाहता था, वो उसने ना इधर गोदी में बिठाया हुआ था, तो मैं देखना चाहता हूँ भाई गोदी में बैठ के कैसा लगता है, मतलब बिठा के कैसा लगता है बंदी को. तो एक बार आप बैठ सकते हो तो हमें कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. हम एडजस्ट ठीक हो. वो मुझे भी फील करना है लेकिन मैं नहीं कर पाया. तो अगर पॉसिबल हो तो आप बैठ सकते हो. हाँ, इस वाले पे आ जाओ. नहीं नहीं, क्यों? अरे अच्छा लग रहा है ना. ठीक है ना, हट जा. क्यों हट रहा है? अब आप गर्लफ्रेंड ढंग से बैठे हो आप? रुको, बैठो. हाथ रख सकते हो? ले लो. अब बॉयफ्रेंड बना रहे हो तो. अच्छा, अब बताओ पसंद है? हट जाऊं? नहीं, लड़की हो ना, बस हमें फील लेनी है, चाहे हमारे गोटे टूट जाए, हमें रिपेयर करवाने पड़ जाए. आप बैठो. ओके. अरे गलत बैठो, उठो, इधर को आओ. आप घूमो, आप बैठो ढंग से, तो बैठो, दोनों पे तो बैठे नहीं हो. अच्छा, आप भारी तो नहीं हो? नहीं, मैं 68 kg. 68? Yeah. 50 तो मेरा ही है. So, कुछ नहीं. तो आप तो पतले हो ना, मैं मोटी हूँ. तो यार आपको मिलने आना पड़ेगा, तो मुंबई आना पड़ेगा. हाँ. यहाँ नहीं मिल सकते आप दिल्ली में? आते रहती हूँ. आते रहते हो? चलो आप उतर जाओ, नहीं तो मेरे सही में टूट जाएंगे. बैठो. एक और भी, एक पहली बात तो यार थैंक यू, आपने मेरे को वो वाला फील दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा. अब मुंबई से आपको इसीलिए स्पेशली इधर बुलाएंगे बिठाने के लिए. ठीक है, आप आ जाना. चलो बैठ जाओ. यार बहुत अच्छी फीलिंग है यार, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेते हैं. आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा? हाँ ठीक लगा. तो नंबर आपने मेरा ले ही लिया है. हाँ.
आप कब मैसेज करोगे मुझे? कर दूंगी बाद में जब मैं फ्री हूँ। चलो थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है। अरे एक और बात बताऊँ, मैंने प्रैंक कर रहा था, वो सामने कैमरा लगा एक बार हाई कर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? आप आ जाना। और दूसरी बात, एक और छोटी सी बात बता दूँ, वो सामने ना कैमरा लगा हुआ है, वो प्रैंक चल रहा है यूट्यूब पर, तो वीडियो ले लें आपकी यूट्यूब में अपने। ठीक है, चलो थैंक यू, बाकी सही में मैसेज करना। ठीक है, आई कर दो एक बार।